एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 10% बढ़ गई है। अब मैंने क्या कहा था आपको, शुरू में ही कहा था कि कभी भी किसी की इनकम जो है वो कितने प्रतिशत होती है, 100%। क्या बताया था मेरे बच्चों, 100% का हमें लाभ या हानि होती है। सही है कि नहीं है वो आपने कमेंट करना जरूर बताइएगा। कुछ दिनों बाद बढ़ गई, यानी कि 100% से बढ़ गई, यानी कि ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब 110 हो गई। ठीक है, अब बोला 20% और बढ़ गई, 20% बढ़ने का मतलब यानी कि 120। ठीक है, 100 पर और ज्यादा 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब बताइए कि कुल व्यक्ति को, ये यहां पर है, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आप कुछ न मत कीजिए, आप इन दोनों को जो है आपस में कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और इस ट्रिक से जो है आपके कई चैप्टरों का जो है वो समाधान निकल गया। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। ठीक है, 11 गुना 12, अब 11 को 12 से गुना कर लीजिए, तो 11 एकम 11 2 को 12 से कर लीजिए, 11 गुना 12 तो कितना हो गया, 2 1 3 132। अब इसका अर्थ क्या हुआ, 132 का, 132 का ये अर्थ हुआ कि 32% क्या है, 32%, यानी कि 100 से कितना अधिक, 32%, तो यानी कि 100 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है 100% की। तो देखिए क्वेश्चन हमारे, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज जो है प्रतिशत पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। मैं उसके लिए कुछ शानदार ट्रिक्स लेकर आया हूँ। इन दो मेथड्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे आपका क्वेश्चन जो है वो कमी पर आधारित हो या आपका क्वेश्चन जो है वो वृद्धि पर या कमी पर, दोनों पर, किसी पर भी आधारित हो, आप इन क्वेश्चंस को कर सके। इन क्वेश्चंस का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस का जो प्रतिशत का कमी या वृद्धि, ये क्षेत्रफल में हो, लाभ हानि में हो, ये क्वेश्चन जो है आपको हर जगह जो है वो काम आते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें ये क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। अब कैसे हम करते हैं तो मैं आपको ये बारी बारी दिखलाऊंगा, तो आप फटाफट जो है इसको अब एक बार आप सीख ले कि क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे, समय ना वेस्ट करते हुए, तो जल्दी से सभी क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं साथ साथ में। प्रतिशत या वृद्धि पर, दोनों पर आधारित प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% कुछ दिनों के लिए के बाद पुनः 20% बढ़ गई। बोला एक आदमी की आय जो है यानी कि इनकम वो 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद हुआ क्या, फिर से 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति की आय कुल कितनी प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है। पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी वृद्धि के क्वेश्चन हो तो याद रखिए प्रतिशत जो है वो हमारा 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। अगर हम 100 रुपए या 100% से ऊपर जाएं तो हर बार मेरे बच्चों याद रखना हमें लाभ होगा, अगर 100% से नीचे आए तो हर बार हमें कमी होती है। अब इस क्वेश्चंस में हम दो प्रकार से करते हैं, बुक्स में किस प्रकार से किया होता है पहले मैं वो समझाता हूं। बुक्स में इस क्वेश्चन को बढ़ी हुई है यानी कि इनकम बढ़ रही है, तो आपने 10 लीजिए प्लस के पॉजिटिव, ठीक है। अगर घट रही होती है तो आप लीजिए नेगेटिव में। 20% फिर से बढ़ रही है तो 20% किस चीज के लेंगे आप, पॉजिटिव। अगर ये घट रही होती तो नेगेटिव होती। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 10 जमा 20 जमा 10 गुना 20 बटा 100। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, 0 से 0 गया, 10 और 20 30 हो गए,
और 2 तो कितने हो गए 32। तो 32% की क्या होगी वृद्धि होगी मेरे बच्चों, ये इसका हल बनता है कि 32% की वृद्धि होती है। हम इस मेथड को जो है वो बहुत बार करते आए हैं और इस मेथड से हमने कई बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं ये कहूंगा कि आप इस मेथड को अगर आपको पसंद आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव लीजिएगा। इसको मान लीजिए ये x है ये y है, तो आपका फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके जो है आप क्वेश्चंस जो है वो क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा और हम और अच्छे से उन क्वेश्चंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने इस मेथड से नहीं करना हो क्वेश्चन को तो किस हिसाब से करेंगे, अब मैं आपको फिर से समझाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 10% बढ़ गई है। अब मैंने क्या कहा था आपको शुरू में ही कहा था कि कभी भी किसी की इनकम जो है वो कितने प्रतिशत होती है 100%। क्या बताया था मेरे बच्चों 100% का हमें लाभ या हानि होती है। सही है कि नहीं है वो आपने कमेंट करना जरूर बताइएगा। कुछ दिनों बाद बढ़ गई यानी कि 100% से बढ़ गई यानी कि ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब 110 होगी, ठीक है। अब बोला 20% और बढ़ गई, 20% बढ़ने का मतलब यानी कि 120, ठीक है, 100 पर और ज्यादा 20% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो अब बताइए कि कुल व्यक्ति को ये यहां पर है इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आप कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों को जो है आपस में कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और इस ट्रिक से जो है आपके कई चैप्टरों का जो है वो समाधान निकल गया। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, ठीक है। 11 गुना 12, अब 11 को 12 से गुना कर लीजिए तो 11 एकम 11 2 को 12 से कर लीजिए, 11 गुना 12 तो कितना हो गया 2 3 132। अब इसका अर्थ क्या हुआ 132 का, 132 का यह अर्थ हुआ कि 32% क्या है 32% यानी कि 100 से कितना अधिक 32%, तो यानी कि 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है यानी कि वृद्धि हुई है 100% की। तो देखिए क्वेश्चन हमारे दोनों हैं, दोनों से हमने हल निकाले, आपको कैसे लगे ये जरूर बताइएगा और वीडियो को साथ साथ में अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि मोहन ने अपनी आय पहले 15% घटाकर फिर 5% घटाकर इस प्रकार व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी मुझे नहीं मालूम है, मैंने दोनों ट्रिक्स बताई हैं, इसको दोनों ट्रिक्स से हम बारी बारी करते हैं। पहले कैसे है घटाया गया है माइनस आएगा, फिर से घटाया गया माइनस, यानी कि आपका एक्स जो है वो किसका आएगा -15, वैसे वाई भी किसका आएगा -5 का। अब फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए क्या आएगा -15 -5 जमा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 15 गुना 5 बटा 100। बोलो समझ आ रहा होगा 15 और 5 कितने हो गए 20 और 15 75 बटा 100 25 चौके 100 25 75 तो कितना आ गया मेरे लाडो यानी कि 20 माइनस के प्लस 3 बटा 4 तो 20 और 4 कितने हो गए 80, ठीक है, जमा 3 बटा 7 सॉरी 4 तो कितने रह गए 3 77 माइनस 77 ओवर 4
कितना आएगा -77/4। तो अब आप देखिए 70/4 जो है वो आया है तो नेगेटिव में आया है, यानी कि क्या आएगा कमी हुई, क्या हुई कमी हुई। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे से देखने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखिए कैसे है, 100 था मैंने बोला हुआ, 5 से 15% की कमी यानी कि 85, ठीक है, 5% की यहां पे बोल रहे हैं यानी कि 95% यानी कि वो घटा है। तो अब मैंने क्या बताया है 85 × 95/100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपने, 5 × 10 = 0, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 17 × 19 कर लीजिए कितना हो गया, 17 को 19 से गुना कर दीजिए, 17 × 19, साथ साथ में जल्दी जल्दी सभी कैलकुलेट करते रहिए करिए, तो कितना हो गया 323, कितना आ गया 323/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 323 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, नहीं लिखना तो आप क्या करेंगे आप उसको भाग कर दीजिए। तो पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स में कितना हो गया 80.23। तो 80.23 का मतलब क्या हुआ, 100 से कितने प्रतिशत कम है, 100 से ये है आपका 23 नहीं होगा 25 होगा, कितना आएगा 80.75, तो ये आपका 75 आएगा। तो कितना आया बच्चों, कितना बता रहे, हाँ 19.25, तो 19.25% की क्या आई कमी आई। तो उस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, यही निकाला था 77/4 कितना निकाला था हमने 77/4। तो अगर हम उसको करेंगे तो भी हमारा हल सेम आएगा, आप दोनों को भाग कर सकते हैं, देख पॉइंट्स में निकला है वो हमने बटे में निकाला था 77/4, तो दोनों को भाग कर लीजिए दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये ट्रिक्स कैसे लगी जरूर बताइएगा मुझे। अगला सवाल हमारा आ चुका है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करें आप, मैं मेथड नंबर 2 यूज कर रहा हूं। अब देख लीजिए, चलो आपकी फरमाइश में मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से कर देता हूं दोनों मेथड से। एक्स की वैल्यू आपकी 20 हो गई, वाई की वैल्यू -10 क्यों हुई, क्योंकि ये घट गई है। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 20 - 10, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 20 × 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ओवर 100, कैलकुलेट किया कितना आ गया, इसका 10 बचा -2 तो बच गए 8, तो 8% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अगर इस टाइप से क्वेश्चन करते हो तो ये आपका मेथड 1 जो है मेथड नंबर 1, तो इसमें आपको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि हुई है, नेगेटिव आएगा तो कमी हुई है। और अगर मेथड नंबर दूसरे से आपको करना है तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 100% आपने मानकर चलना है। अब उन्होंने कहा है 20% वृद्धि हुई है तो 120 हो गया, 10% घट गया है तो 10 ये यानी कि 90 हो गया, तो 120 × 90 टोटल प्रतिशत कितना होता है, हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, 0 से 0 गया तो बचा क्या 12 × 9, 9 × 18 = 1, 9 × 1 = 9, 1 = 10, तो 100 से ये कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, यानी कि 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर बढ़ेगा तो ये वृद्धि होगी ही होगी।
इसी प्रकार से हमारे अगले प्रश्न है, सभी प्रश्न एक जैसे होंगे, आप सभी क्वेश्चनों को ट्राई करें साथ साथ में और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से आ जाएंगे और कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु बाद में यानी कि कुछ दिनों बाद जो है वो 15% बढ़ गई। ठीक है, घटी है तो x की वैल्यू क्या होगी, मैं दोनों मेथड लगा रहा हूं आपके लिए, y की वैल्यू बढ़ गई है इसलिए 15% आ गई, माइनस 10 जमा 15 जमा कितना आ जाएगा 15 माइनस 10 क्योंकि ये x माइनस का है, गुणा 15/100। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको इससे लेस किया तो 5 ही आ गया, माइनस ये गया 5 ये 15 5 दूनी 10 कितना आ गया 3/2। एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10 माइनस 3/2 कितना आ गया 7/2। अगर इसकी पॉइंट्स में बात करें तो कितना आएगा 4 2 3 6 1/2 यानी कि 3.5। ठीक है, यानी कि 3.5% की क्या होगी है वृद्धि हुई है। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, वही है 100%। पहले क्या कहा है, घटी है 90 आ गया, बढ़ गई है तो 115 हो गया, बस 90 × 115/100। 0 से 0 गया, 5 से काटो 5 × 10 5 × 10 5 × 3 = 15। ठीक है, और तो नहीं कटेगा ना, ठीक है 9 × 3 = 27 9 × 2 = 18 19 × 20 207/2 क्या है 10% घटी थी, बिल्कुल सही है, 15% बढ़ी थी 115, तो 90 × यानी 115/100 0 से 0 गई, 2 से काटा तो यहाँ पे 10 क्यों आया, 5 × 10 ठीक है 5 × 10 एक गया 5 × 3 = 15 ठीक है, 9 आया 9 × 3 = 27 9 × 2 = 18 19 × 20 ठीक है 3 से 2 = 1 दो 0 × 2 = 6 103.5 आ रही है, कितना आया 103.5। अब ये 100 से कितना बड़ा है 3.5, इनकी वृद्धि तो हुई मेरे बच्चों, वृद्धि हुई ना 100 से बड़ा है। इस मेथड में हमें क्या कंपेयर करना होता है, 100 से कितना ऊपर आता है 100 से कितना नीचे आता है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी बच्चों, ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे ये क्वेश्चन और ये ट्रिक्स आपको समझ आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं करिए, आप जो है हमारे साथ इसी चैनल पे बने रहिए और आपने इस क्वेश्चन को करके दिखाना है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, ये आ गया है क्वेश्चन, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, ठीक है बच्चों, और 15% की कमी होगी है, कमी है ये, कमी है कि कमी होगी, तो इस प्रकार कारखाने का उत्पादन बताना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं ट्राई कर देता हूं आपके लिए, आप भी साथ साथ में ट्राई करेंगे। आप 25% की वृद्धि है, मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूं, 100 है तो 125 ये हो गया और कमी है 15 यानी कि 85 हो गया, तो बस 125 × 85/100 तो 100 को काट दीजिए, 25 × 100 25 × 5 = 125 ठीक है, और कितना आ गया 5 × 5 = 25 5 × 8 = 40 2 = 42/4। अब आप इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 425 को भाग करेंगे 4 से, तो क्या आया मेरे बच्चों, क्या आंसर आ रहा है सबका बताएं, तो आंसर आ गया है 100
106.25 जो कि 100 से कितना ज्यादा है, 6.25। तो 6.25% 100 से ज्यादा है, इसलिए इसकी 6.25% की वृद्धि हुई है। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और इसी चैनल पे बने रहिएगा विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।